बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गुफ्तगू जो है हम कुछ मज़ीद फंक्शंस के ऊपर कर लेते हैं जो कि पाइथन के अंदर मौजूद हैं। इनपुट हमने देखा, इनपुट के को हम एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, एंटर द नंबर। अब ये नंबर हमें स्ट्रिंग में मिलेगा। ये आर्गुमेंट जो है इनपुट के फंक्शन को हम दे रहे हैं, ये ऑप्शनल है। अगर हम ना दें तो कोई प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, सिंपल जो है ये रुका रहेगा इनपुट के लिए। और अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ शो करा दूँ कि नंबर के लिए बोला जा रहा है, तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है। अब इस नंबर की टाइप मैं चेक करूँ तो टाइप ऑफ दिस नंबर इज़ स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ अगर इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो मैं इसको इंटीजर फंक्शन के साथ टाइप कास्ट कर सकता हूँ। तो इसकी टाइप हो जाएगी अब इंटीजर। मैं चाहूँ तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जो है नंबर इनपुट लिया 5.7, और मैं इसकी टाइप चेक करूँ तो अब ये इसकी टाइप फ्लोटिंग पॉइंट हो गई है। तो हम इनपुट को इंटीजर में, फ्लोट में या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कुछ फंक्शन जिक्र भी किए। तो मिसाल के तौर पर मैंने नेम इनपुट लिया यूज़र से, एंटर अ नेम, और इस नेम को जो है मैं लोअर केस में प्रिंट कराना चाहूँ। अब यहाँ पे जो जो मेथड मौजूद हैं इसके साथ, वो मैं टैब दबा के देख भी सकता हूँ। तो फाइंड का मेथड मौजूद है स्ट्रिंग के अंदर, जिससे आप सर्चिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट है, अल्फ़ाबेट है या नहीं है, इस अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट है या नहीं है। काउंट कर सकते हैं हम कि कितने बार ये एलिमेंट आया है इस स्ट्रिंग के अंदर। इनकोडिंग करनी है, एंड्स पे चेक करना है कि ये एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। फाइंड है, फॉर्मेट जो इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। इंडेक्स के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, क्या ये अल्फ़ाबेट है, एस्की कैरेक्टर है, डेसिमल है, डिजिट है, लोअर में है, अपर में है, न्यूमेरिक है या नहीं है। तो मुख्तलिफ सपोर्टिंग मेथड्स मौजूद हैं। राइट स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप, आर पार्टीशन वगैरह वगैरह, स्प्लिट लाइंस, स्प्लिट भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। टाइटल केस में कन्वर्ट करना है, तो सो ऑन। देर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स, सम ऑफ देम वी विल सी इन डिटेल। तो अपर केस में कन्वर्ट, लोअर केस में कन्वर्ट करके देखते हैं हम इसको, और टाइटल केस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने लिया सलीमुल्ला। तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया सलीमुल्ला, सारे अपर केस में। ये लोअर केस में सारे स्मॉल, और ये टाइटल केस में, यानी स्टार्टिंग वाला जो है, हर वर्ड का स्टार्ट जो है वो अपर केस में, बाकी सारे स्मॉल केस में।